आगे बात करें तो कांग्रेस ना वधारे एक धारासभ्य पक्ष सामे तीर ताक्यू छे। शहर विस्तार में कांग्रेस की हार मुद्दे ग्यासुद्दीन शेख नु निवेदन सामे आव्यु छे। शहर में कांग्रेस हारे छे तो तेनु कारण पण हशे। आ प्रकार निवेदन ग्यासुद्दीन शेखे आप्यु छे। मात्र बैठक अने मीटिंग लेवाथी कई नहीं थाय। कांग्रेसे वूड लेवल पर जवानी जरूर छे अने कामगीरी करवानी जरूर छे। अमदावाद, वडोदरा, राजकोट अने सूरत में केम जीतता नथी ते प्रकारना सवालो पण तेमने ज उठाव्या छे। तो शहरी विस्तार माटे कांग्रेस मंथन करे ते प्रकारनु निवेदन तेमने आप्यु छे। दरिया पूर्थी कांग्रेस ना धारासभ्य छे ग्यासुद्दीन शेख। शहरी विस्तार की मानसिकता ने अपने समझी पड़े कि शहरी विस्तार में मध्यम वर्ग अने पैसादार वर्ग रहते हो इनी समस्याओं इनी बातों इने अपने वाचा आपवी पड़से। हूँ तो स्वस्पष्टपणे मानु छू के मीटिंगों की बातों की ज्यां सुधी कार्यक्रम नीचे सुधी नहीं जाए ज्यां सुधी एक्टिवेट नहीं थाय मारी दृष्टिए वोर्ड लेवल थी कार्यक्रमों शुरू थवा जोईए अने सीएस शहर लेवल सुधी आ कार्यक्रमों आवा जोईए। परंतु मारे कहेवुं छे कि जगदीशभाई ठाकुर अने रघुभाई शर्मा जे रीतना अत्यारे जे सरळ स्वभावना छे अने तमाम लोकोनी साथे जे वन टू वन चर्चा करी रह्या छे दरेक बाबते चर्चा विचारना कहीं क्या क्या हमारी भूल रही है कदाच कहीं अमारी भूल रही हो तो ज अमे सत्ता थी आज बहार थी। जो शहरों विस्तारों जे लगभग 52 सीटों से यहां फकत 4 सीट कांग्रेस पार्टी जीते छे जे पण अमदावाद दी छे। सिवाय राजकोट, वडोदरा, सूरत कोई जगह अमे शहरी विस्तार में जीती सकता नहीं। तो एनी पाछळना कारणों पर हशे। शहरी विस्तार लोकोनी मानसिकता ने पण समझवी पड़से अने एने वाचा आपवी पड़से। ने हूँ मानु छू कि जे रीतना जगदीशभाई ठाकोरे आ जे निर्णय लईने बधाने जे बोलाव्या छे एना सारा परिणामो मळशे अने शहरी विस्तारना लोको जे ओरमायू वर्तन थाय छे शहरी विस्तारनी जे समांतर विकास थती ए बाबते अमे आंदोलन करी अने शहरी विस्तारना लोकोने आकर्षवा माटे अने एमनो मन जीतवा माटे अमे प्रयासो करीशुं। જે પ્રકારે કોંગ્રેસના વધુ એક ધારાસભ્ય એટલે કે ગ્યાસુદ્દીન શેખે જે પ્રકારે સવાલો ઉઠાવ્યા છે તેમણે એ પણ કહ્યું છે કે મીટિંગોથી કંઈ નથી થવાનું, ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર કામ કરવું પડશે અને તેનું જ પરિણામ મળશે। તો હાલ જે પ્રકારે કોંગ્રેસની સ્થિતિ છે, ખાસ કરીને કોર્પોરેશનના જે ઇલેક્શનની અંદર પરિણામો આવ્યા હતા તેની અંદર પણ કોંગ્રેસની ભૂંડી હાર થઈ હતી, ત્યારબાદ ફરીથી કોંગ્રેસ મનોમંથન તો કરી રહી છે પરંતુ તે મનોમંથનની કોઈ અસર વર્તાતી હોય તે પ્રકારની સ્થિતિ નથી અને આગામી વિધાનસભા પહેલાં જે પ્રકારે અત્યારથી જ રણનીતિ ઘડવાની શરૂઆત થઈ છે અને ઇલેક્શન કેમ્પેનની શરૂઆત થઈ છે તે પૂર્વે જ ગ્યાસુદ્દીન શેખ દ્વારા આ મહત્વનું નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે।